Good morning students, welcome back to the online class. So today we are going to continue Act 4, Scene 1, and this is our last class for this scene. In this class we are going to complete the scene, okay? So stay focused. And in the last class we have completed till the dialogue of Bassanio, that is line number 430, when Portia in the disguise of the lawyer was asking for the ring, for that engagement ring from Bassanio, as he wanted to give something to Portia, as in something to the lawyer, as a token of respect, okay, as a token of regard. Now, Bassanio, in the last class we have completed till the dialogue of Bassanio, when he says that there is more depends on this than on the value, that it is not the price of the ring which matters. There are many more sentiments that are connected to this ring, and he is ready to give Portia, as in to give the lawyer, the most expensive ring that is available in Venice. And in the last he says, but so far as this ring is concerned, I entreat you not to insist on it, ki aap zabardasti na kare ye mujhe dene ke liye. Now Portia says, I see, sir, you are liberal in offers. You taught me first to beg, and now methinks you teach me how a beggar should be answered. Now Portia says, I find, sir, that you are quite generous in making offers. ठीक है, कि आप offers देने में बहुत अच्छे हैं, but not in giving a practical shape to those offers. कि आप ऑफर तो ज़रूर देते हैं, लेकिन आप प्रैक्टिकली वो चीज़ गिफ्ट नहीं करते. यू फर्स्ट एनकरेज मी टू बेग अ गिफ्ट फ्रॉम यू, कि मैं आपसे कोई गिफ्ट मांगूँ, एंड नाउ आई थिंक दैट यू आर टेलिंग मी हाउ अ बेगर शुड बी ट्रीटेड, कि एक भिखारी को कैसे ट्रीट किया जाता है, आप मेरे को सिखा रहे हो जैसे आप मेरे को ट्रीट कर रहे हो. नाउ बसिनियो सेज, गुड सर, दिस रिंग वॉज गिवन मी बाई माई वाइफ, एंड वेन शी पुट it on, she made me vow that I should neither sell nor give nor lose it. अब बसिनियो बोलता है कि सर, दिस रिंग वॉज गिवन टू मी बाई माई वाइफ, गिफ्टेड बाई माई वाइफ, एंड वैन शी पुट इन ऑन द फिंगर, तो उन्होंने कसम ली थी मुझसे कि मैं इसे बेचूँगा भी नहीं, किसी को दूंगा भी नहीं, और घुमाऊँगा भी नहीं, मतलब खो नहीं दूंगा इस अंगूठी को. नाउ पोर्शिया सेज, दैट एक्सक्यूज सर्व्स मेनी मैन टू सेव देयर गिफ्ट्स, एंड इफ़ योर वाइफ बी नॉट अ मैड वुमन and know how well I have deserved this ring, she would not hold out any me forever for giving it to me. Well, peace with you, be with you. और Portia बोलती है, that excuse enables many men to save the gifts which otherwise they might have to part with. ये जो excuse आप दे रहे हैं, ये excuse बहुत लोगों को बचा लेता है उनके gift देने से. ठीक है, बहुत men को बचा लेता है. Okay, now if योर वाइफ इज़ नॉट ए लुनाटिक, मतलब अगर वो पागल औरत नहीं है और वो समझदार है, मैच्योर है, और उसको जब ये पता चलेगा कि मैं इस रिंग को कितना डिज़र्व करता था, कि मैंने आपकी कितनी हेल्प की बाई हैविंग डन अ सर्विस टू यू, शी वुड नॉट हार्बर अ परमानेंट फीलिंग ऑफ हॉस्टिलिटी, और वो कभी भी आपसे मतलब परमानेंट दुश्मनी नहीं ले लेगी अगेंस्ट मी, मुझसे, कि मैंने ये रिंग आपसे एज ए गिफ्ट ले ली. एनी हाउ मे यू इन्जॉय पीस, वो बोलती है ठीक है, आप शांति इन्जॉय कीजिए, इवन इफ़ यू हैव नॉट गिवन मी द रिंग, इसके अलावा कि आपने मुझे रिंग नहीं दी. वो मतलब उसको गिल्ट ट्रिप पे डाल रही है कि मैंने आपसे एक चीज़ मांगी और वो भी आपने नहीं दी मुझे. एग्जीक्यूट Portia एंड नेरिसा, Portia नेरिसा चली जाती है ये बोल के. अब एंटोनियो बोलता है, माई लॉर्ड Bassanio, लेट मी हैव द रिंग, लेट हिज डिजर्विंग्स एंड माई लव विथ हिल बी वैल्यूड अगेंस्ट योर वाइफ्स कमांडमेंट. अब वो एंटोनियो बोलता है, माई लॉर्ड Bassanio, लेट द जज हैव द रिंग, लेट द मैनर इन विच ही हैज सर्व्ड अस एंड माई लव फॉर यू हैव ग्रेटर वेट इन योर आईज देन योर वाइफ्स डायरेक्टिव टू यू, कि जो है जज को ये रिंग दे दो, और क्योंकि उन्होंने जो दिया है और उन्होंने जितना हमारे प्यार को समझा, हमारी दोस्ती को समझा है, ये उससे बहुत बढ़कर है जिस सोच से तुम्हारी वाइफ ने तुम्हें ये रिंग दी थी. ना Bassanio बोलता है, गो Gratiano, रन एंड ओवरटेक हिम, गिव हिम द रिंग एंड ब्रिंग हिम इफ दाउ कांस्ट अनटू एंटोनियोज हाउस अवे मेक हैस्ट. अब वो बोलता है Gratiano को,
बेसिनियो बोल रहा है कि रन एंड ओवरटेक द जज, मतलब जज इज हियर रेफर टू पोर्शिया, गिव हिम द रिंग एंड लेट हिम ब्रिंग इफ यू कैन टू एंटोनियोज हाउस, गो मेक हैस्ट, और ये रिंग उसको दे दो और हो सके तो वो एंटोनियो के घर आए ये रिंग ले करके, ठीक है। और फिर वो एंटोनियो से बोलता है कम यू एंड आई विल थिथर प्रेजेंटली एंड इन द मॉर्निंग अर्ली विल वी बोथ फ्लाई टूवर्ड बेलमंड, कम एंटोनियो। अब वो बोलता है कि कम यू एंड आई विल गो टू योर हाउस एंड वंस एट वंस एंड देन अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग विल गो टू बेलमंड विद द अटमोस्ट हेस्ट, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हम लोग जाएंगे, कम एंटोनियो। ओके, अब सब चले जाते हैं, दे लीव, और दिस इज़ द एंड ऑफ द सीन। आई होप टिल हियर इट इज़ क्लियर टू यू। स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट इन एनी लाइन इन एनी डायलॉग यू कैन मैसेज मी पर्सनली, एंड इन द नेक्स्ट क्लास आई विल गिव यू सम क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस एक्ट एंड दिस सीन, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट एंड यू हैव टू राइट द आंसर्स, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट मैसेज मी पर्सनली। दिस इज़ इट फॉर द डे, थैंक यू।